हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल को लॉग कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारी जो फेसबुक प्रोफाइल है वो यहाँ पे लॉग्ड है। अगर आप भी इस तरीके से अपनी फेसबुक प्रोफाइल को लॉग करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप फेसबुक प्रोफाइल को लॉग कर सकते हैं और इसके क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लीजिए। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे आप अपने फेसबुक प्रोफाइल को यहाँ पे लॉग कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और यहाँ पे जिस भी प्रोफाइल को आप लॉग करना चाहते हैं यहाँ पे आपको उससे लॉग इन कर लेना है। उसके बाद जैसा कि आपको यहाँ पे ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, होम, फ्रेंड्स, ग्रुप्स, यहाँ पे वॉच, नोटिफिकेशन एंड यहाँ पे आपको 3 लाइंस का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको उसके नीचे आपको यहाँ पे आपकी प्रोफाइल का लोगो देखने को मिल जाता है। आपको सिंपल अपनी प्रोफाइल के लोगो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपकी प्रोफाइल आपके सामने ओपन हो जाती है। तो उसी के साथ आपको यहाँ पे ऐड टू स्टोरी के साथ आपको यहाँ पे 3 डॉट्स देखने को मिल जाते हैं। आपको सिंपल 3 डॉट्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। 3 डॉट्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पे आपको लॉक प्रोफाइल का ऑप्शन भी दिया गया है। तो आपको सिंपल लॉक प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा, लॉक योर प्रोफाइल एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ लॉकिंग वर्क्स। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ओनली फ्रेंड्स विल सी द फोटोज एंड पोस्टर्स ऑन योर टाइमलाइन। तो आपकी जो टाइमलाइन में जितनी भी पोस्ट होंगी वो आपके ओनली फ्रेंड्स देख पाएंगे। तो उसी के साथ नेक्स्ट ऑप्शन है ओनली फ्रेंड्स विल सी योर फुल साइज प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर फोटो। तो आपकी जो प्रोफाइल फोटो है और या फिर कवर फोटो है वो आपके ओनली फ्रेंड्स देख पाएंगे। तो उसी के साथ आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिया गया है पीपल यू आर नॉट फ्रेंड्स विद विल सी ए मैक्सिमम ऑफ 5 प्रोफाइल डिटेल्स। तो अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं है और आपकी वो प्रोफाइल्स डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे वो मैक्सिमम 5 प्रोफाइल डिटेल्स देख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं देख पाएगा। यहाँ पे फेसबुक प्रोफाइल को लॉक करने के और भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल में कोई भी फोटो या फिर वीडियो पोस्ट करते हैं तो वहाँ पे अगर आपकी फ़ोटो का कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो आपकी फ़ोटो का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएगा। तो और भी यहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। तो आपको सिंपल अपने फेसबुक प्रोफाइल को कैसे लॉक करना होता है, आपको सिंपल यहाँ पे लॉक योर प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यू हैव लॉक योर प्रोफाइल। तो आपको सिंपल ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यू हैव लॉक योर प्रोफाइल। तो यहाँ पे जो हमारी प्रोफाइल है वो यहाँ पे लॉक्ड हो चुकी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी फेसबुक प्रोफाइल को लॉक कर सकते हैं। तो उसी के साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि अगर आप इसे अनलॉक करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। आपको फिर से 3 डॉट्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको लॉक प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं योर प्रोफाइल इज़ लॉक्ड एंड यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिल जाते हैं व्यू एज, इन्वाइट फ्रेंड्स एंड अनलॉक। तो आपको सिंपल अनलॉक के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको अनलॉक योर प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो आपकी प्रोफाइल है वो अनलॉक हो जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को अनलॉक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल को लॉक रखते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स इसके देखने को मिलेंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रोफाइल से कोई भी छेड़खानी नहीं कर पाएगा। अगर आपकी फेसबुक प्रोफाइल पे आके वो आपकी फ़ोटोज़ के स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो अपने मोबाइल डिवाइस से आपके स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी फेसबुक प्रोफाइल को लॉक कर सकते हैं और इसका ये बेनिफिट्स ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।